सेवन हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इनको जब आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आपकी बैड हैबिट्स खुद ही माइनस होना शुरू हो जाएंगी और आपको डेज में इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी नंबर सेवन से क्योंकि नंबर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। जो खवातीन बेचारी परेशान हैं, उनका हिप्स और थाइस का फैट रिड्यूस नहीं हो रहा है, दो दो घंटे जिम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, और डाइट प्लान भी लिया हुआ है, सोशल मीडिया से भी लिया हुआ है, रिटर्न डाइट प्लान भी है, लेकिन उनको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाती, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते। देखें, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको वजन कम करने का शौक है तो आपने डाइट प्लान लेके रख लिया, आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही। ये ऐसी मिसाल होगी कि आपको गिटार बजाने का शौक है तो आपने गिटार खरीद लिया, तो क्या गिटार खरीदने से आपको बजाना भी आ जाएगा? नहीं ना, आप उसको किसी टीचर से सीखेंगे, किसी एक्सपर्ट से सीखेंगे तो आपको समझ आएगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसे टाइम देंगे तो आपको गिटार बजाना आएगा ना। तो डाइट प्लान भी ऐसा ही है, जब आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, किसी हेल्थ एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि वो क्या करेगा, वो आपको डाइट प्लान समझाने के साथ साथ वो आपके रूटीन में अच्छी आदतों को भी ऐड करेगा। ठीक है, और आपने फिर जब फीस दी हुई होती है ना, तो फिर आप और ज्यादा पंक्चुअल होके सारी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। फ्री के डाइट प्लान से ना लोगों के वजन कम नहीं होते, आई एम जस्ट किडिंग। तो अगर आपको भी कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना है तो आप मेरा भी कस्टमाइज डाइट प्लान बनवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। उससे होगा क्या कि आप पूरा महीना मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो डाइट प्लान के साथ साथ आपके रूटीन में अच्छी हैबिट्स भी मैं ऐड करवाऊंगी, और इन्हीं सात जबरदस्त किस्म की हैबिट्स का मैं आज जिक्र करूंगी अपने वीडियो में, क्योंकि ये तो सबको पता है ना, हम डाइट प्लान में यही कहते हैं कि चीनी छोड़ दो, चीनी ना खाओ, कहवों का इस्तेमाल करो, पानी पियो, डाइट करो, एक्सरसाइज करो, सही है, यही सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन हैबिट्स का मैं आज जिक्र करूंगी। तो ये जो सेवन हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इनको जब आप अपने रूटीन में ऐड करेंगे तो आपकी बैड हैबिट्स खुद ही माइनस होना शुरू हो जाएंगी और आपको डेज में इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी नंबर सेवन से क्योंकि नंबर वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे जरा थोड़ा सा ऐसा शक है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसलिए नंबर वन को एंड में बताऊंगी ताकि आप पूरा वीडियो देखें। वैसे तो सारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, तो नंबर सेवन हैबिट ये है कि सिट लेस एंड वॉक मोर। ठीक है, आपने बैठना कम है, वॉक ज्यादा करनी है, एक्टिव रखना है अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट से ज्यादा आप एक ही वक्त में एक जगह पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, नंबर सिक्स पे आ जाता है वॉक व्हेन यू टॉक। ठीक है, जब आप कभी मोबाइल पे बात करें, फोन पे किसी से बात करें, तो एक जगह बैठ के बात ना करें, आप हैंड्स फ्री लगाएं, अपने मोबाइल को बैग में रखें, और उसके बाद आप अपनी कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आप अपने काम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, अगर घर के कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं। जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले अपनी यही हैबिट अपने रूटीन में ऐड की थी कि मैंने बात करना छोड़ दिया था, फोन पे बैठ के मैं मोबाइल पे बात करती थी, हैंड्स फ्री लगा के और बैग में रखती थी, और सारे घर के काम भी करती थी, अपनी एक्सरसाइज भी करती थी और बात भी कर लेती थी, तो मेरा टाइम भी सेव हो जाता था, मेरी कैलोरीज भी बर्न हो जाती थी, और मेरा मूड भी हैप्पी हो जाता था कि मैंने बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है ना, आप बैठे हुए सिर्फ बातें कर रहे हैं, और अच्छी बातें करनी है। ठीक है, पॉजिटिव बातें करनी है ताकि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल ना बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी पॉजिटिव बातें करें, हैप्पी बातें करें, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो और वो आपके फैट बर्न में आपको ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, नंबर फाइव पे आ जाता है अवॉइड रीफिल योर प्लेट। ठीक है, मींस आपने एक, जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं या आप अकेले भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक दफा जो अपने प्लेट में आपने अपना खाना निकाल लिया, तो उसके बाद आपने मजीद नहीं अपनी प्लेट को रीफिल करना। ठीक है, और आपकी जो प्लेट है वो स्मॉल साइज की प्लेट होनी चाहिए, और उसमें आप बस एक दफा आप ले लें, जो पोर्शन कंट्रोल का वीडियो मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से आप प्लेट को डिजाइन करें, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें, उसी तरह से प्लेट को डिजाइन करें और दोबारा उसको रीफिल आपने नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि आप जब खाना खा रहे होते हैं तो टीवी ना देखें या मोबाइल ना देखें, तो मैंने तो ऐसा किया था कि मैं क्या करती थी कि एक्सरसाइज के वीडियोज लगा के और फिर बैठ के मैं खाना खाती थी, तो फिर मुझे ये होता था कि नहीं, मुझे इसको बर्न भी करना है, जो मैं खा रही हूँ तो मुझे इसे बर्न भी करना है, तो फिर मैं कंट्रोल करके खाती थी। ठीक है, तो ये मेरी एक हैबिट थी कि मैं वाइल ऑन करके एक्सरसाइज लगा के, ये आप भी कर सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिप है। ठीक है, नंबर फोर हैबिट जो आपको ऐड करनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि अब जैसे मोबाइल हम लोगों के पास हर वक्त होता है, ठीक है, 24 घंटे हमारे पास मोबाइल होता है,
ज्यादातर हम क्या करते हैं कि हम इसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आजकल इतनी सारी डिफरेंट किस्म की मजेदार सी माउथ वाटरिंग रेसिपीज आ रही होती हैं, कभी फाइलू दे की, कभी आइसक्रीम की, कभी शेक्स की, कभी चीज केक की. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम, आपने देखा होगा कि नाम भी सुनते ना हम कभी किसी अच्छे से खाने की चीज का, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ अनहेल्दी आपका दिल चाहता है और आप जाके खा लेते हैं. ठीक है, या फिर आप ऑर्डर कर देते हैं. तो आपने इस तरह के जो भी मील्स की जो चीजें आती है ना, आप उसे स्किप कर दें. ठीक है, या स्किप करना है अगर देखना ही है, और अगर आप वेट लॉस अपना करना चाहते हैं तो आप हेल्दी रेसिपीज की तरफ भी जा सकते हैं. हेल्दी रेसिपीज फॉर वेट लॉस, ये लिख के आप देख सकते हैं. लेकिन वो जो हम रील्स आ रही होती हैं तो उसमें ये चीजें आ रही होती हैं, तो आप उसे स्किप कर दें, आप उसे ना देखें. उससे भी होता है कि एकदम से आपका दिल चाहता है और फिर आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हैं या किसी से कह देते हैं कि मुझे ये बना के दे दो, या खुद कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं. ठीक है, तो इस हैबिट को भी आप खत्म कर दें, इससे आपको बहुत फायदा होगा. मुझे तो बहुत फायदा हुआ है. नंबर थ्री हैबिट आपने क्या ऐड करनी है, जो आपका दिल चाहता है ना कि कुछ खा लूं अभी, तो वो आपको वो भूख नहीं लग रही होती है, वो आपकी क्रेविंग होती है. तो जैसे आपको ये क्रेविंग हो ना कि मुझे अपने मील से हटके, डाइट प्लान के मील से हटके आपका अगर कोई चीज खाने का दिल चाहे, तो फौरन उस क्रेविंग को ओवरकम करने के लिए आप पानी का ग्लास पी लें एक. ठीक है, उसके बाद 10 से 15 मिनट वेट करके एक और पानी का ग्लास पी लें, आपकी वो क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी. वो भूख नहीं होती, वो क्रेविंग्स होती हैं. तो ये सबसे बेस्ट वे है अपनी क्रेविंग्स को ओवरकम करने का. ठीक है, नंबर टू हैबिट ये है कि लर्न टू से नो. नो कहना सीखें, मना करना सीखें, लोगों को रिस्पेक्टेड वे में मना करना सीखें. जैसे हम कहीं दावत पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो अगर आपको अपना वेट लॉस कर रहे हैं आप और आपको वो चीज नहीं खानी है, लोग फोर्स करते हैं ना, बहुत ज्यादा खा लो, कुछ नहीं होता, ये खा लोगी तो एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता. लेकिन एक दिन के खाने से बहुत कुछ होता है. वो किस तरह से होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है ना आपके जहन पे, आपका टेम्पो खराब हो जाता है. एक आप बहुत अच्छे दिल से कर रहे होते हैं, मुझे पता है कि थोड़ा सा अगर आप टेस्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका टेम्पो ब्रेक हो जाता है और फिर वो सोचते हैं कि क्या फायदा, बस ठीक है छोड़ो डाइट प्लान वाइट प्लान, बस लाइफ एंजॉय करो. ठीक है, तो वो टेम्पो ब्रेक ना होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप रिस्पेक्टेड वे में बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मना कर सकते हैं, उनको सच बात बता दें कि मैं डाइट प्लान अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हूं, तो प्लीज आप मुझे फोर्स ना करें, थैंक यू सो मच, बल्कि आप मुझे इस चीज में हेल्प करें. ठीक है, तो आप उसकी जगह कोई और अच्छी हेल्दी ऑप्शन आप ले सकते हैं. ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करके बहुत ज्यादा. तो वो अनहेल्दी चीज जो आपका मोटापे का बायस है, वो आपने नहीं खानी है. बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रिस्पेक्टेड वे में उन्हें समझा दें. ठीक है, और नंबर वन पे जो मैं आपको हैबिट बताने जा रही हूं ना, ये अगर आपने अपने रूटीन में शामिल कर लिया ना, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका दिनों में वेट लॉस होगा. उसमें ये कि आप अपने खानों में गैप देना शुरू कर दें. जितना आपके खानों में गैप होगा, उससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम फैट बर्न होगा. कैसे, ये भी आप सुन लें. अब जैसे आपने खानों में गैप दिया, अब जब हम कोई भी चीज खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. जब आप खानों का गैप देते हैं, अब बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, बॉडी तो बहुत स्मार्ट है, तो वो एनर्जी कहां से लेगी, वो आप, हम तो खाना उसे नहीं दे रहे, तो वो स्टोर्ड फैट्स में से एनर्जी लेगी. स्टोर्ड फैट जो आपके हिप्स में जमा हुआ है, स्टोर्ड फैट्स जो आपके थाइज में जमा हुआ है, स्टोर्ड फैट्स जो आपके बेली एरिया में जमा हुआ है, स्टोर्ड फैट्स जो आपके विसराज में, आपके बॉडी ऑर्गन्स में जमा हुआ है, वहां से वो फैट लेगी. आपका फैट वहां से निकलना शुरू होगा और आपके फैट बर्न स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ना, तो इस तरह से डिफरेंट एरिया से फैट निकलना शुरू हो जाता है और स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है. मींस किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, किसी एक खास एरिया से फैट थोड़ी रिड्यूस होता है, ओवरऑल पूरी बॉडी से फैट निकलता है जहां जहां पे फैट स्टोर हुआ हुआ होता है. तो उसके लिए हमें डाइट भी करनी है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, इनफैक्ट हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है. तो इसीलिए आप खानों में गैप देना शुरू कर दें, उससे इंसुलिन के लेवल भी आपके कम होंगे, ग्लूकोज के लेवल भी कम होंगे, और इस तरह से आपका फैट बर्न होगा. क्योंकि इंसुलिन वाली स्ट्रैटेजी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी हर किसी को समझ में नहीं आती, इस वजह से मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको ये बात समझा दी है. तो इन सातों हैबिट्स को आज ही से अपने रूटीन में शामिल करें, मुझे दुआ में याद रखें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ. बाय बाय. Oh, 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 o